नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज को, हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक शेयर किया है। तो इस स्टॉक में जो भी हाल देखने को मिल रहा है, काफी दिनों से जो है इसमें भारी गिरावट और उसके बाद जो है कंसोलिडेशन लगातार इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे जो जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुत बड़ा जो है इसके जुड़ा हुआ एक अपडेट निकल के आ रहा है जो इस बात को साबित कर रहा है कि इसमें जो है बहुत जल्द फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज के दिन जो है उस खबर का इफेक्ट साफ साफ देखने मिला, क्योंकि इसमें आज अपर सर्किट देखने को मिला है। तो हम उस अपडेट के बारे में जानेंगे कि क्या वो अपडेट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंपनी के फ्यूचर परस्पेक्टिव कैसे हैं, कंपनी का आगे का भविष्य कैसे रहने वाला है, इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट कौन से हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या रहने वाले हैं। अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके इसमें नेक्स्ट मूव क्या रहना चाहिए, आपका अगला टारगेट क्या रहेगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका कौन सा लेवल इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन है, ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ में जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको फ्री में इंट्राडे की ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं ये सारी फैसिलिटी हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी प्रकार का जो है चार्ज नहीं देना है। हम आपको पर डे 4 से 5 इंट्राडे की ट्रेड देते हैं, इसके अलावा बीटीएसटी स्टॉक देते हैं, लॉन्ग टर्म की पूरी लिस्ट पड़ी हुई इसमें, शॉर्ट टर्म में जो हम आपको स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप पेनी स्टॉक डील करते हैं तो पेनी स्टॉक की पूरी लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो उसको जाके आप चेक कर लीजिए। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। इसके अलावा किसी भी स्टॉक में कोई भी न्यूज, किसी भी स्टॉक के क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, आईपीओ का कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं ही पोस्ट करते हैं ताकि आप मार्केट में हमेशा अपडेट है। आपको सारी चीजें जो है एक ही ग्रुप में मिल जाती है और आप जो है काफी बेनिफिट उठा सकते हैं इस ग्रुप का। तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि HFCL लिमिटेड में आज के कैसे क्या ट्रेड रही। तो आप देखें इसमें ऑलमोस्ट 3.60 रुपए की तेजी देखने को मिली आज, ऑलमोस्ट 5% के आसपास का अपर सर्किट देखने को मिला। देखिए कितना अच्छा इसका आज के दिन ओपनिंग हुई थी, 74.10 रुपए पर ओपनिंग के बाद देखिए इसमें लगा था अपर सर्किट और ये सर्किट टूटा और काफी हलचल रही। और उस हलचल के बाद देखिए फिर पूरे दिन जो है अपर सर्किट लगातार लग देखने को मिला है। अभी ये 76.45 रुपए पर जो है ट्रेड कर रहा है। वन वीक की बात की जाए तो वन वीक में इसमें ऑलमोस्ट 4.30% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 3.15 रुपए की तेजी एक सप्ताह में देखने को मिल रही है। वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में 8.21% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 5.80 रुपए की तेजी एक महीने में देखने को मिली। क्योंकि देखिए हैवी कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है, बार बार ये स्टॉक ऊपर जाता है फिर उसका नीचे देखने को मिलता है। 80 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बोला भी था कि ये लेवल अगर टूटेगा तो ये आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाने को मिल सकता है, लेकिन ये उस लेवल को तोड़ के नहीं जा पाया, मतलब कि फिर इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब चलते हैं उस अपडेट की तरफ कि कौन सा वो अपडेट है जिसकी वजह से इसमें आज अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो वो अपडेट है, देखिए ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है न्यूज निकल के आई है कि 3FII जॉइंटली एक्वायर 2.64% स्टेक इन टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर HFCL। तो काफी बड़ी जो है अपडेट करके आई कि FII ने जो है 2.64% जो है इसमें अपना स्टेक लिया है। FII जो अगर सोच सकते हैं, अगर FII किसी कंपनी में पैसा लगाए तो बहुत सोच समझ के वो पैसे लगाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि FII ने पैसे लगाए तो इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से सुने, कि FII उन्हीं कंपनी में पैसा लगाते हैं जिनसे उम्मीद होती है कि ये कंपनी उनका पैसा दोगुना कर देगी, तीन गुना कर देगी, वो भी कम समय में। मतलब कि HFCL लिमिटेड में अब बहुत जल्द आपको तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा जो है अब देखने को मिल रहा है, जैसा कि FII ने इसमें इतना बड़ा अपना स्टेक लिया है इस कंपनी में। तो ये बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है इस बात को, ये स्टॉक अब बहुत जल्द आपको तेजी में देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं इस खबर को आगे पढ़ते हैं। 3 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर, वैंगार्ड, क्वांट म्यूचुअल फंड एंड नॉर्गेज हैव कलेक्टिवली एक्वायर्ड 2.64% इन टेलीकॉम गियर्स मेकर HFCL लिमिटेड, व्हाइल वैंगार्ड बॉट 1.86% थ्रू 4 एंटिटीज। उन्होंने जो है अपना जो वैंगार्ड है इन्होंने 1.86% लिया स्टेक। इसके अलावा बात करें आगे की तो क्वांट एक्वायर 0.55% और नॉर्गेस ने जो है 0.23%, मतलब कि तीन अलग कंपनी में इसमें अलग अलग स्टेक ले रखा है। तो काफी तगड़ी जो है इसमें खबर निकल गई और उस खबर के बाद से इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था। कंपनी शेयर प्राइस को जो इनका कल की खबर है तो कल प्राइस इसका जो था वो था 69.20 रुपए का, उस पर जो इन्होंने ये अपना आर्टिकल छापा है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज जो है, जो सेकेंड अपडेट है वो है HFCL एन एलिजिबल प्लेयर इन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट had recently informed the stock exchange that it would be raising ₹750.75 crore by way of private placement or preferential issue or public issue or qualified institutional placement.
इट कुड ऑल्सो रिसोर्ट टू एनी परमिशबल मोड और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ इंक्लूडिंग बाई वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डेट डेब्ट और इंस्ट्रूमेंट्स अमॉन्ग अदर्स। तो उन्होंने ये बात बोला है कि ये 750 करोड़ रुपए की जो है फंड रेजिंग भी करने वाले हैं, जो ये काफी ऑप्शन उन्होंने दिए हैं प्रोफेशनल इशू के थ्रू, पब्लिक इशू के थ्रू या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। तो ये तीन चार उन्होंने जो है वे बोले हैं, क्योंकि ये कंपनी टेलीकॉम जो अपने उनको पीएलआई स्कीम में फायदा मिलने वाला है इस इनको, उस वजह से जो है इनको और इक्विपमेंट अपने ट्रांसपोर्ट करना है बाहर भी, और इंडिया की खपत जो पूरी करना है इनको 5G के समय पर, उसलिए जो है ये फंड रेजिंग करने वाले। और ऑलरेडी इनको काफी ज्यादा पैसा जो है भारत सरकार भी देगी, जो पीएलआई स्कीम में 31 कंपनी चुनी गई थी उसमें अपना HFCL का नाम था। तो इस बात ये बात तो बिल्कुल तय है, ये जो फंड रेजिंग की गई है इसके बाद जो और पैसा मिलेगा तो ये कंपनी लगातार बड़ी बनती जानी है, तभी जो है FIIs ने इसमें इतना बड़ा अपना जो है स्टेक लगाया, अपना पैसा है इसमें लगाया है, कुछ सोच समझ के इन्होंने पैसा निवेश किया हो, तभी जो है ये इस कंपनी में इन्होंने इतना बड़ा दाव खेला है। वरना FIIs ऐसे ही किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं कि उठाया पैसा लगा दिया, तो कुछ सोच समझ के इन्होंने पैसा लगाया होगा। तो ये बात बिल्कुल तय है, ये शेयर बहुत जल्द आपको 4 डिजिट में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी ये 2 डिजिट में, 2 डिजिट का 3 डिजिट और 3 डिजिट के बाद ये शेयर 4 डिजिट में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और इस कंपनी में ऑलरेडी मुकेश अंबानी जी अपना पैसा लगाए हुए हैं, और टाटा ने लगा दे रखा है पैसा किसमें, तेजस नेटवर्क में। तो टाटा वर्सेस जो रिलायंस देखने को मिल रहा है, तो इस कॉम्पिटिशन में जो है फायदा शेयर होल्डर को होने वाला है जो HFCL में पैसा लगाए हुए हैं और तेजस नेटवर्क में, क्योंकि टाटा टक्कर दे रही है रिलायंस को और HFCL से तेजस नेटवर्क को टक्कर देगी। तो ये बात तय है कि अब ये स्टॉक इतने प्राइस पर नहीं रुकने वाला, और 750 करोड़ रुपए की जो फंडिंग की जानी है और पीएलआई स्कीम को फायदा जो मिलने वाला है, ये बात तय है कि ये शेयर बिल्कुल मल्टी बैगर बनने वाला है। अगर बात करें लेवल्स की, तो देखिए हमने आपको बाइंग रही थी 58.20 पैसे पर, काफी अच्छा लेवल था बाइंग करने का, और इसके बाद देखिए इसका से तेजी पकड़ी थी और ये ऑलमोस्ट 81 रुपए का हमारा टारगेट था, 81.70 पैसे का यहाँ तक गया था, और इसके बाद इसमें दोबारा से गिरावट देखने को मिली थी और गिरावट के बाद इसने कल शॉर्ट दिखाया था। हमने आपको पढ़ा था कि ये आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है ये आपके लिए मौका है इस स्टॉक को और उठाइए। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर इस स्टॉक को उठाया होगा, हमारा सपोर्ट था 67.35 रुपए का, और देखिए ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास पर गया था, और उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन हुआ था, और देखिए फिर से तेजी पकड़ी इसने, और ये 80 रुपए का जो हमारा टारगेट था 81.70 रुपए का यहाँ था, फिर से गया था, और उसके बाद दोबारा से गिरावट आई थी, फिर तेजी पकड़ी, फिर से 81.70 रुपए गया, और दोबारा से देखिए ये हमारा जो सपोर्ट था 74.90 रुपए सपोर्ट नंबर 1, इसको तोड़ के नीचे गया था। और मैंने आपको बोला था कि अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो ये फिर से 67.35 रुपए बन जाएगा, और देखिए ये वहां तक फिर से गया और दोबारा तेजी पकड़ी, मतलब कि हमारा ये सपोर्ट था, फिर से रेजिस्टेंस अच्छा काम किया और इसको तोड़ के अब ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल टूटेगा आपका 74.90 रुपए का, ये फिर से आपको 81.70 रुपए पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ये लेवल टूट गया 81.70 रुपए का, फिर ये सीधे आपको 90 रुपए पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है कि 81.70 रुपए बहुत ज़्यादा जो है ट्रबल कर रहा है लोगों को, बहुत परेशान कर रहा है, ऑलमोस्ट 3-4 बार जो है यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो इस स्टॉक को फिर 90 रुपए और उसका 100 रुपए और 1000 रुपए पर जाने का से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बात तय है, कंपनी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, 5G का टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, इसका जो भविष्य है 5G में बहुत अच्छा है, इसका पैसा बनेगा, और इसके अलावा ये कंपनी एक्सपोर्ट जो करेगी इक्विपमेंट्स की बाहर विदेशों में, तो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, तो आप इस पर बिल्कुल पैसा निवेश कर सकते हैं। आपका बाइंग का लेवल 74.90 पैसे का है अभी, इस लेवल पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इस स्टॉक को अभी उठा लीजिए और लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करें, लॉन्ग टर्म में तगड़ा पैसा इस कंपनी से आपका बनने वाला है। तो आपके ये लेवल्स, आपका टारगेट है कौन सा 90 रुपए का अभी शॉर्ट टर्म के लिए, इसके पहले आपका टारगेट है 81.70 पैसे, बाइंग का लेवल है 74.90 पैसे। दोस्तों यही तक था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।